जेडीयू में बीजेपी में दोनों प्रदेश कार्यालय में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। और देखिए इस वक्त हम हैं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में और यहाँ जेडीयू के कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ जेडीयू के कार्यकर्ता ये पहुँचे हैं और यहाँ देखिए किस तरह से लोग ढोलक के धुन पर जीत का जश्न मना रहे हैं। ये जेडीयू का कार्यालय नहीं बल्कि बीजेपी का कार्यालय है और बीजेपी का कार्यालय में जेडीयू के कार्यकर्ता पहुंचे हैं ढोल नगाड़े के साथ। ये नज़ारा है, एनडीए के जीत का जश्न है ये, और जेडीयू और बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी एकता को दिखाने के लिए इस तरीके से आप देखिए किस तरीके से डांस हो रहा है। ये यहाँ आप देखें, ये इस तरह का नज़ारा बहुत कम ही देखने को मिलता है कि सहयोगी पार्टी के कार्यालय में एक सहयोगी दल के कार्यकर्ता इस तरह से ढोल नगाड़े के साथ पहुंचे हो और ये यहाँ पर जीत का जश्न मना रहे हो। सारे मीडिया कर्मियों का ये ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं और देखिए पूरे जोश में जेडीयू कार्यकर्ता के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता और ज्यादातर नवयुवक है इसमें। और यहाँ देखिए, ये देख लीजिए आप किस तरीके से जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ता एक साथ मिलकर नाच रहे हैं। बीजेपी का झंडा और जेडीयू का झंडा एक साथ, यहाँ देखिए युवा है, युवाओं का जोश देखिए, हम बात करते हैं उनसे क्या कहेंगे आप। इसकी जीत था पहले से ही तय था, गलत तरह का पंच कुछ आएगा कि 180 महागठबंधन का आएगा, हम लोग सुनिश्चित थे कि हमारा जीत पक्का था और जीत हुआ है। जोश है देखिए युवाओं का जोश, क्या कहेंगे आप। भाजपा इस बार नीतीश कुमार जी का फिर से सरकार बनने जा रही है और जिनका लड्डू दो दिन से तैयार हो रहा था उसका लड्डू हम लोग आराम से खाएंगे। बोलो बोलो सियापति रामचंद्र की जय। देखिए क्या कह रहा है कि जो लड्डू दो दिन से तैयार कर रहे थे वो लड्डू काशी जी खाएंगे, हम लड्डू खाएंगे, तेजस्वी जी बनाएंगे, हम लड्डू खाएंगे। यहाँ देख सकते हैं इन लोगों का उत्साह, इन लोगों का साफ कहना है कि जो लड्डू आरजेडी में तैयार किया गया था वो लड्डू अब नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेडीयू के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये देखिए किस तरीके का उत्साह है, ये बहुत कम ही देखने को मिलता है कि किसी महागठबंधन या किसी गठबंधन को जीत मिली है एनडीए की, तो इसमें बहुत कम बार देखने को मिला है। तीन बार यहाँ एनडीए की सरकार बनी है और ये पहली बार ऐसा मौका है कि जो जीत का जो अभी इसको जश्न मनाने के लिए जेडीयू के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यालय में पहुँचे हो, भारत माता की जय का उद्घोष करते हुए वो लोग वापस अपने पार्टी कार्यालय की ओर कूच कर रहे हैं। तो ये उत्साह, ये जीत का जश्न, ये बताने के लिए काफ़ी है कि दोनों पार्टियों के लिए एनडीए की यह जीत क्या मायने रखती है और उनका उत्साह यह बताने को काफ़ी है कि इस जीत में जिस तरीके से जनता ने बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दिया है और इसके अलावा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर काम किया है, यह बताता है कि एनडीए के लिए यह जीत कितनी महत्वपूर्ण है। तो बीजेपी के कार्यालय में जेडीयू के कार्यकर्ता नाचते।
बताइए देखिए युवा क्या कह रहे हैं। आज मंगल दिन मा सुबे रे सुबे चारो दशरथ ललन मा सुबे रे सुबे आज मंगल दिन मा सुबे रे सुबे देख सकते हैं आप किस तरीके से जेडीयू के कार्यकर्ता यहां पहुंचे। आज मैं हमारा भविष्य और हमारे युवाओं का जो बेरोजगारी के नाम पे और इस प्रकार जो है हम लोग को तेजस्वी के प्रताप के द्वारा झांसा दिया जा रहा था, अब हम लोग युवा भी समझ चुके हैं कि हम लोग झांसे में नहीं आएंगे और फिर से नीतीश कुमार जी को मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। ये देखिए युवाओं की सोच है और ये उत्साह है और ये ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि जब एनडीए की सरकार बन रही हो तो जेडीयू के कार्यकर्ता इस तरह से ढोल नगाड़े और बैनर पोस्टर और जेडीयू के तीर छाप के झंडे के साथ बीजेपी के कार्यालय में पहुंचे हो, भारत माता की जय का उद्घोष किया हो, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए हों और इसके साथ ही कह रहे हों कि नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। नीलकमल एनबीटी न्यूज़ पटना।